जब हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट डेथ के टाइम अलग होती है, जब जैसे हम में से कोई भी मरेगा तो फिजिकल बॉडी तो यहीं पर जला दी जाएगी, मॉलिकुलर बॉडी मॉलिकुलर वर्ल्ड में जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जाएगी, और हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट वापस क्रिएशन में नहीं जाएगा, वो जाता है महाकाल रीजन में, रिंग पास नॉट में मेजर। और वहां पर हर एक बार का, जितनी बार भी फिजिकल बॉडी लिया गया है, वो सारा फिजिकल बॉडी का स्टोर हाउस होता है रिकॉर्डेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा एडवांस में। हम लोग पतंजलि योग सूत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास चालू करने से पहले मैं त्रिपुरा रहस्य में भगवान श्री गुरुदत्तत्रेय, जानते हैं कौन थे? नहीं पता, सचमुच में नहीं पता। गुरुदत्तत्रेय रमण महर्षि जैसे थे, कृष्णमूर्ति जैसे थे, बहुत पुराने ज़माने के थे, बहुत पुराने ज़माने के। उनके बारे में कहानी है, एक सती थी, वो बहुत पवित्र थी, पतिव्रता थी, अपने पति के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड थी, ऐसी कुछ कहानी है। और स्टोरी ये है कि उनसे सरस्वती, लक्ष्मी और कौन थी तीसरी जो देवी हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, तीनों उनसे जलने लगी कि हमारी पवित्रता से भी ज़्यादा पत्नी व्रता ये, तो अपने हस्बैंड्स को भेजा जाके टेस्ट करो उनको। तो तीनों यहाँ पर आए साधु बन के, भेष बदल के। कौन तीनों? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, शंकर जी तीनों आए यहाँ पर। सुनी कहानी? और बोला कि भाई भिक्षाम दे, जैसे रावण आया था सीता जी के पास, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आए हैं तो मैं आपको देती हूँ, खाना में खिलाती हूँ। तो वो तीनों बड़े चालू बोलते, नहीं नहीं हम तो खाली दूध पीते हैं। मैंने कहा ठीक है दूध पिला देती हूँ, हमारे पास गाय है उसका दूध है। बोलते नहीं नहीं हम स्तन से सीधे दूध पीते हैं, हम सीधे माँ के ब्रेस्ट से दूध पीते हैं। अब उनको एक कनंड्रम में फंसा दिया। कनंड्रम मतलब अगर उनके सामने अपने कपड़े उतार दी हैं तब तो भाई पत्नी व्रता धर्म खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं पिलाती हैं तो जो साधु का धर्म श्राप मिल जाएगा। तो वो सेक्शन 3 तक पहुंच चुकी थी अपने पति की मदद से। तो मैंने जो फिल्म देखा था, पढ़ा था कहानी, उसमें वो एक कमंडल में से पानी लाती हैं और बोलती हैं ईश्वर, अगर मैं दिमाग में सोचती हैं कि तीनों बच्चे बन जाएं, से फेंका पानी, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए, क्वैं क्वैं करके रोने लगे। फिर तीनों को एक एक करके दूध पिला दिया, अपना छाती का बिठा दिया वहीं खेलने कूदने के लिए, एडॉप्ट कर लिया। हो गया 2-3 दिन 4 दिन, साल 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बीतने लगे, कहानी है भाई। और वहाँ बेचारी ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की बीवियाँ कुछ दिन तो अपना अकेले में मौज मस्ती किया, पार्टी शार्टी किया, घूमी फिरी, उसके बाद पति का वेट करें। आई नहीं, पति कहाँ गए? आई यहाँ कि हमारे पति कहाँ है? तो बोलती ले लो तीनों पड़े, जो तुम्हारे जिसको है ले लो। अच्छी कहानी थी। फिर वो कन्फ्यूज कि अगर सरस्वती किसी के गलत पति को ले लिया या लक्ष्मी ने, तो फिर वो झंझट हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं छोड़ती हूँ उन लोगों को, लेकिन एक शर्त पे कि ये तीनों मिलकर के मेरे बेटे बने। तो तीनों सिंगल रूप में आए और वो थे भगवान गुरुदत्तत्रेय। तो वो थे गुरु ऑफ परशुराम। परशुराम को उन्होंने, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया था ज्ञान, ऐसे ही परशुराम को गुरुदत्तत्रेय ने दिया था। आज का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है इल्यूमिनेशन इज ग्रेजुअल, मतलब ज्ञान ग्रेजुअली आता है। आज का सूत्र है बहुत ही सिंपल प्लेन सूत्र है, दिस इल्यूमिनेशन इज ग्रेजुअल, इट इज डेवलप्ड स्टेज बाय स्टेज, प्लेन बाय प्लेन। एक इल्यूमिनेशन की बात कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एनलाइटनमेंट है। बोलते हैं इसमें जल्दबाजी नहीं होगी, इसको कुछ साल लग सकते हैं, कुछ जन्म भी लग सकते हैं, या शायद कई जन्म लग जाएंगे। इनफैक्ट गौतम बुद्ध के आश्रम में बहुत से शिष्य थे उनके पास, तो उसमें से एक आश्रम में आग लग गई थी, तो उसमें 500 भिक्षु या शायद फीमेल लेडीज़ भिक्षु थी, वो सब मर गए थे।
और किसी ने पूछा बुद्ध से कि उनका आप क्या होगा, इनलाइटमेंट कब होंगे, तो बोलते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे, बस कुछ ही जन्मों में हो जाएंगे। बोलते हैं कुछ जन्म लगेंगे अभी भी, आपके साथ भिक्षु थे। बोलते हैं बाकी लोग तो, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि रेत के जितने कण हैं उतने जन्म लगेंगे इनलाइटमेंट होने में, और ये तो बस कुछ ही जन्मों में हो जाएंगे। तो यही बता रहे हैं कि धीमे धीमे होगा, स्टेज बाय स्टेज होगा, प्लेन बाय प्लेन होगा। और क्यों? इस सूत्र में बोल रहे हैं पतंजलि, बात कर रहे हैं एक मेडिटेटिव एटीट्यूड की। मेडिटेटिव एटीट्यूड जो ये बोल रहे हैं ना, वो बहुत ही एडवांस्ड है, बट उसका एक बेसिक भी है। देखिए इसमें ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसमें पांच यम हैं, पांच नियम हैं, और ये सारे के सारे याद होने चाहिए, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। और खाली याद नहीं होने चाहिए, उसके साथ हम लोगों को खेलना भी पड़ेगा। जैसे एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन, इंटरनल प्योरिफिकेशन है ना, पांच नियम में आता है। तो जब आप ये, इसी की तरह है आपके टेबल टेनिस के बॉल बैट की तरह, जब आप उसको खेलेंगे ना, तो आप फिर उसमें स्पिन कर पाएंगे, स्मैश मार पाएंगे, अलग अलग चीज़ें कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि अच्छा, ऑनेस्टी की या इंटरनल एक्सटर्नल प्योरिटी की बहुत ट्विस्ट्स हैं। आप बहुत जगहों पर अपने आप को लगेगा कि मैं ऑनेस्ट हूँ, लेकिन वो उसी में भी डिसऑनेस्टी है। तो वो तो पांच हो गए, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर आया प्रत्याहार जिसमें आपका फिजिकल बॉडी मॉलिक्यूलर बॉडी से अलग हो जाएगा, फिर आता है धारणा ध्यान समाधि, और समाधि में भी सबसे पहले आता है समाधि विद सीड। अब बहुत एडवांस लेवल के ऋषि मुनि हो गए, लेकिन अभी भी है समाधि विद सीड, जिसमें आप वापस आ सकते हैं, इस दुनिया में वापस आ सकते हैं, ऐसे ही जैसे समुद्र में आप डूब सकते हैं अगर तैरने बहुत अच्छे से तैराक हैं फिर भी। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्स्टेंट मेडिटेटिव एटीट्यूड, या तो संयम। ये संयम वर्ड पिछले तीन चार सूत्रा से चल रहा है। संयम, मैं सोचता था मुझे समझ में आ गया है, संयम से रहो, नियम कानून से रहो, ऐसे कॉमनली हम लोग यूज़ करते थे भाषा में, तो हम लोग को लगता था आ गया। जैसे स्कूल में बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, तुमको लगता है ध्यान समझ में आ गया, यही ना, बस फोकस करना है। नहीं, अभी इसमें आगे इसी में बोलेंगे कि धारणा ध्यान समाधि को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, बट वो बहुत आधा अधूरा है, वो पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करता इसकी मीनिंग को। तो संयम क्या है? जब धारणा ध्यान समाधि एक साथ होता रहता है आपके अंदर में, ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। संयम मतलब जब धारणा ध्यान समाधि एक साथ होता है, और कह रहे हैं जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आप धीरे 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 अपने पाथ के एंड पे पहुँच गए हैं। जो डिसाइपल है वो अपने यात्रा के एंड पे पहुँच चुका है। अब देखिए कितनी सिंपल सी इंग्लिश भाषा को यूज़ किया गया है बहुत ही मुश्किल चीज़ को समझाने के लिए। ये वो एक्सपीरियंस है जो किसी ऋषि को, महर्षि को होती होगी, जो भगवान कृष्ण को हुई और उसने अर्जुन को दिखाया, उसको यहाँ समझाने की कोशिश करें पर एक सेंटेंस में। जो रोशनी होती है वो एहसास होता है, और इसीलिए उसको इल्यूमिनेशन कहा गया है। तो कह रहे हैं जब आप रियलाइज करते हैं अपने आप को, तो आप अंदर से ही इल्यूमिनेट करते हैं। बोलते हैं बहुत एडवांस स्टेट है ये, इल्यूमिनेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्रेजुअल है, इसमें स्पीड नहीं है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्म के फल की चिंता मत करो, और खाली अर्जुन को नहीं कहते, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग बहुत ही ज्यादा अपने आप को दीनहीन मानते हैं, पता है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम है, खासतौर से पढ़ाई लिखाई को लेकर के। इसलिए आप लोग कोई और एक्टिविटी करते हो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे आप लोग कहते हो मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे स्कूल के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मैं टॉप नहीं कर सकता, वो सब इसलिए बिकॉज आपको दिखता होगा कि यार वो जीनियस है, वो ग्रेट है। बट अगर आप ये एक सूत्र पकड़ लें, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों के लिए भी प्रोग्रेस क्या है? ग्रेजुअल है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ग्रेजुअली करिए, धीमे धीमे करिए, थोड़े थोड़े पीसेस में करिए, बिकॉज वही तरीका है। कह रहे हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिखाया था कि लड़ाई के मैदान में कैसे लोग मरेंगे। इनफैक्ट जो उसमें गीता में दिखाया है वो ये है कि लोग मर रहे हैं, सारे जो योद्धा हैं सब मर रहे हैं, अभी लड़ाई चालू नहीं हुई, गीता की बातचीत लड़ाई से पहले हुई थी, और अर्जुन को दिखा रहे हैं कृष्ण के सारे योद्धा मर के मेरे मुंह में जा रहे हैं, और फिर वो पैदा होकर कहीं और जा रहे हैं, फिर से पैदा हो रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तुम जिनको मान रहे हो ना कि तुम मार रहे हो, ये पहले से मरे हुए हैं, और इनके अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट सोल है जो मरती नहीं है। देखो वो यहाँ से आए, यहाँ से पैदा हो रहे हैं, डेथ वेथ होती नहीं है, और फिजिकल बॉडी की डेथ तो वो ऑलरेडी डेड है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन को कृष्ण ने खाली वही दिखाया जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई के लिए इंपॉर्टेंट था, पूरा ब्रह्मांड नहीं दिखाया,
सुनिए, क्यों ये इतना ग्रेजुअल प्रोसेस है उसका रीजन दे रहे हैं यहां पे, जो धीरे धीरे इतना टाइम लगेगा क्यों लगेगा, क्योंकि दिन के समय जो डिसाइपल है वो नॉर्मल हाउस होल्डर की तरह जिंदगी जिएगा। एक पति है, वो एक बाप है, एक किसी का बेटा है, कहीं ऑफिस में काम करता है, उसको कमाना है, रोजी रोटी के लिए कमाना है, तो वो हो गया दिन का आपका काम नॉर्मल हाउस होल्डर का, और रात को वो अपनी एडवांस प्रैक्टिसेस करता है धारणा ध्यान समाधि की। जब वो एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं संयम। और ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक है। हम लोग जब भगवान की भक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है कि बस भगवान हमसे खुश हो गए, बल्कि हम तो ये मानते हैं भगवान हमारे साथ हमेशा खुश है, हमारा कुछ बुरा होगा नहीं। गले में बचपन में क्रॉस पहन लिया, हनुमान जी का एक तो वो लगा लिया, गणेश जी का एक लॉकेट लगा दिया, अंगूठी पहन लिया, तो सब सेट हो गया, रक्षा बांध लिया। नहीं, ये ऐसा हो गया जैसे कि आप एक टो बोले, वो भी नहीं है ये। जब आप जाते ना नाव में तो लोग एक टो पहना देते हैं, लाइफ जैकेट पहनाते हैं, और लाइफ जैकेट पहन के आप सोचे बस अब समुंदर पूरा हम तैर लेंगे यार, क्योंकि डूबेंगे तो है नहीं, वो भी नहीं है। कह रहे हैं ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, एक आदमी अकेले इस ब्रह्मांड में बहुत दूर दूर तक जा नहीं सकता। अगर आपके पास मिस्टिकल पावर्स आ गए तब भी नहीं जा सकते। हम तो खाली फिजिकल यूनिवर्स को जानते हैं, उसमें भी इलॉन मस्क जैसे लोग बोलते हैं ना हम मार्स में भेजेंगे लोगों को, वो तो मार्स बगल में है, बट ये फिजिकल यूनिवर्स भी बहुत बड़ा है। फिजिकल का से भी डबल साइज है भूआ, हमारा ड्रीम वर्ल्ड। इनफैक्ट हमको ड्रीम वर्ल्ड के बारे में लगता है और छोटा सा है, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ही छोटा है। हम गए थोड़ा सा, किसी को देख लिया, कोई भूत प्रेत, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और वो भी यहीं से इसी की छाप है वहाँ, वहाँ रियल दुनिया में तो घुसे भी नहीं है। तो वो तो डबल है, फिजिकल का डबल है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, और मॉलिक्यूलर से भी डबल है कौन सा? हाँ, एस्ट्रल तो मॉलिक्यूलर को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड उसको बोलते हैं, मेंटल वर्ल्ड। ये जो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, ये भाषा जनोगा की है। इसके पहले ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे कारण शरीर, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, और ये फिजिकल बॉडी को बोलते हैं स्थूल शरीर, और मॉलिक्यूलर बॉडी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। अब बताइए, आपको अगर इसी दुनिया में लखीमपुर में घूमना हो साइकिल से तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। लखनऊ तक जाने के लिए आपको कार चाहिए होगी या तो बस चाहिए होगा। पूरा इंडिया घूमने के लिए आपको हवाई जहाज और भाई ट्रेन चाहिए होगा, और पूरा ब्रह्मांड घूमने के लिए तो करोड़ों साल लग जाएंगे, और फिर आपको भूआ भी जानना है और सूआ भी जानना है। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा चमत्कारी यंत्र आ गया, कोई ऐसा स्पेसशिप आ गया जो बहुत तेज़ी से उड़ता है, लाइट से भी 1,00,000 गुना तेज़ी से उड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिकली दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ती है लाइट। अगर ऐसा कोई यंत्र मिल गया तब भी आप इस पूरे ब्रह्मांड को कवर नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड को धीमे धीमे आपको दिखाया जाता है। इल्यूमिनेशन इज ग्रेजुअल, ये जो ज्ञान है वो बहुत धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे आपको दिखाया जाता है। एक साथ दिखा देंगे तो आपकी हालत पागल हो जाएंगे, आप लिटरली पागल हो जाएंगे। आपने वो कहानी सुनी है ना, एक आदमी को बहुत बड़ी लॉटरी मिली, कुछ 100 करोड़ की लॉटरी मिली, सुनिए ना, तो और वो बेचारा दिल का मरीज था, हाँ, तो उसको किसी ने आकर के कहा कि यार उसको सीधे मत बता, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा करके बताओ कि तुम्हें 100 रुपये का इनाम मिला, फिर 500 का, फिर 10,000 का, 1,00,000 का, फिर करोड़ का, फिर करते करते उसको 100 करोड़ तो बताना। तो एक वकील साहब उसके साथ रहते थे दिन भर, पहले उनको 100-200 की लॉटरी बताई, बोलते खुश हो गए मिल गया, फिर एक दिन बोलते अच्छा मान लीजिए आपको किसी दिन 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो क्या करेंगे, उनको मेंटली प्रिपेयर करा था। तो आदमी सोचते हैं पा क्या मेरे को बना रहा है, उसने कहा आधा तुमको दे देंगे जाओ। पता है क्या हुआ, वकील साहब को हार्ट अटैक हो गया। नहीं, देखिए खुशी से तो हमारी हार्ट अटैक नहीं होगी, लेकिन डर से हो सकता है, डेथ का ही इतना बड़ा डर है। चीज़ें आपको धीमे धीमे दिखाई जाती हैं। सबसे पहले तो आपको फिजिकल यूनिवर्स में दिखाया जाता है, और उसमें भी हमने जनों का एडवांस में पढ़ा था कि 7 सब स्टेजेस हैं, हर एक यूनिवर्स के फिजिकल के 7 सब स्टेज हैं, 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ऐसे ही मॉलिकुलर का और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक का। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब जब हम डिवाइन फ्रैगमेंट से इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, तो लास्ट पॉइंट है जेनिथ, नहीं लास्ट पॉइंट है नादिर, फिर वापस जाते हैं, तो ये सब 7 सब स्टेजेस में होता है। नादिर पॉइंट सबसे वर्स्ट पॉइंट है, और जेनिथ पॉइंट में हम एनलाइटन हो जाते हैं, एक यात्रा चलती है।
तो आपको सबसे पहले तो फिजिकल यूनिवर्स में दिखाया जाता है चीज़ें, वो भी सेवन सब स्टेज में, तो सबको आपको धीमे धीमे करके क्रॉस करना होगा, और ये सबको करना होगा। कृष्ण ने भी किया, अर्जुन ने भी किया, ऐसा मत समझिएगा कि बस उसको बस टिकट मिल गया और बैठ गए भगवान कृष्ण के गोद में बैठ गए, अर्जुन बिना सब किए क्रॉस कर गए। सबको क्रॉस करना होगा, और इसी तरीके से हम लोगों को धीमे धीमे पता चलता है वाई ऑफ एग्जिस्टेंस, आखिर ये ब्रह्मांड है क्यों। एग्जिस्टेंस को जानते हैं ना, हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस क्रिएशन से कैसे अलग है, नहीं याद? एग्जिस्टेंस वो दुनिया है जहां पर चीजें पैदा होती हैं, रहती हैं और खत्म होती हैं। इसमें है भू, भुवः और सुवः, और कहा जाता है ये सब कुछ पूरा एग्जिस्टेंस क्रिएशन के एक कोने में है, एक बिंदु की तरह। जैसे एक समंदर में एक लहर होती है, ऐसे ही क्रिएशन के बगल में एक एग्जिस्टेंस है। तो आपको धीमे धीमे पता चलेगा, अभी मन में आता तो है कि आखिरी दुनिया क्यों है, बट हम छोड़ देते हैं। अभी हमारे मन में लगता है ठीक है होगी, किसी ने बनाया है, भगवान ने क्यों बनाया उस वही जाने, बट हमको चूंकि हम हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कोई जरिया नहीं है इस चीज को जानने का, वाई ऑफ एग्जिस्टेंस कि क्यों है ब्रह्मांड। तो ये धीमे धीमे हमको रिवील किया जाता है, पहले एक सब स्टेज पे। इसलिए ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, राज ऋषि होते हैं, ब्रह्म ऋषि होते हैं, उनके भी सब अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और फिर एक इंडिविजुअल मतलब आप बन जाते हैं जो कि अब बन चुके हैं महर्षि, और अब आपको बहुत बहुत कुछ बताया जाता है। ये भू भुव सुवः से भी ज्यादा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिलती है आपको महाकाल में। महाकाल पता है कहां है? इसको हम लोग ज़ुनोगा एडवांस पढ़ते हैं रिंग पास नॉट के नाम से। एक फिजिकल यूनिवर्स, उसके बाहर एक माइनर रिंग पास नॉट, कि इस दुनिया की चीज़ उस दुनिया में नहीं जा सकती, और फिर मॉलिकुलर और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में एक रिंग पास नॉट है, ये दोनों माइनर रिंग पास नॉट है, और फिर भू भुवः सुवः इन तीनों के बाहर है एक मेजर रिंग पास नॉट जिसको बोल रहे हैं महाकाल, और वो है डेथ का रीजन। हमारा मन क्या बोलेगा, डेथ तो हम जानते हैं यार। महाकाल को कहा गया है लक्ष्मण रेखा ऑफ एग्जिस्टेंस, कि कोई भी फिजिकल वर्ल्ड का एंटिटी चाहे भू का हो, चाहे भुवः का हो, चाहे सुवः का हो, क्रिएशन में नहीं जा सकता। वो जगह क्या है? स्टोर हाउस ऑफ ऑल मेमोरी ऑफ बोथ इन्वोल्यूशन एंड एवोल्यूशन। जब हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट डेथ के टाइम अलग होती है, जब जैसे हम में से कोई भी मरेगा तो फिजिकल बॉडी तो यहीं पर जला दी जाएगी, मॉलिकुलर बॉडी मॉलिकुलर वर्ल्ड में जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जाएगी, और हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट वापस क्रिएशन में नहीं जाएगा। अच्छा। वो जाता है महाकाल रीजन में, रिंग पास नॉट में, मेजर रिंग पास नॉट, और वहां पर हर एक बार का जितनी बार भी फिजिकल बॉडी लिया गया है वो सारा फिजिकल बॉडी का स्टोर हाउस होता है रिकॉर्डेड। यही कह रहा है, दो वर्ड यूज हुए यहां पर, इन्वोल्यूशन एंड एवोल्यूशन। इन्वोल्यूशन मतलब जब हम क्रिएशन में से फिजिकल वर्ल्ड में आए थे तो वो पतन था, एक हम फ्री एंटिटी थे और उससे हम बॉडी बन गए, तो वो था इन्वोल्यूशन। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं मतलब फिजिकल बॉडी से जब हम डिवाइन फ्रैगमेंट बनते हैं तो उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, विकास, ग्रोथ। तो जितना भी चाहे ऊपर से नीचे आते समय, नीचे से ऊपर, ये पूरा का पूरा खेल कई करोड़ों अरबों जन्म का है, और ज़ुनोगा कहती है अगर आपको जब पता चल गया तो आप जल्दी से वापस जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा मेमोरी वहां होता है महाकाल रीजन में, और तब आप एक बुद्ध हो जाते हैं और आपको सब कुछ क्लियर कराया जाता है ग्रेजुअल इल्यूमिनेशन से, धीरे धीरे। और यहां पर जो डिसाइपल होता है बहुत बहुत ही शांत होता है, वो बेसब्र नहीं होता। हम लोग तो यहाँ किताब पढ़ना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, लेकिन जब एक आदमी बुद्ध बन जाता है कुछ पूछता उसका नहीं है, मुझे सिखाओ, बट उसका ईश्वर जो उसके डिवाइन फ्रैगमेंट हैं टेक्स हिम मेंटली, उसको मेंटली अपने शागिर्दी में ले लेते हैं, और जो कुछ भी डिवाइन फ्रैगमेंट के नॉलेज है वो सब यहाँ रजिस्टर हो जाता है ड्रीम की तरह ऑटोमेटिकली। और जितना ज़्यादा ये समय चलेगा
कि एक डिवाइन फ्रैगमेंट नॉलेज दे रही है इस साधक को, जो कि एक बुद्ध के लेवल पर पहुंच चुका है, उतना ही ज़्यादा एनलाइटनमेंट होता है, उतना ही महान एनलाइटनमेंट होता है। कह रहे हैं एक डिसाइपल को खाली किताबी बातें नहीं बोलनी है। किताब में पढ़ लिया, हाँ ये सब कुछ झूठ है, चीज़ें पैदा होती हैं मरती हैं, लेकिन हम अंदर से जानते हैं ना कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा पति, मेरा पैसा रुपया सब असली है भाई, भूख असली है, दर्द असली है। लेकिन एक डिसाइपल को जानना होगा कि ये सब कुछ ऑथेंटिकली नकली है। जैसे आप जब सपने से जगते हैं तो आप जानते हैं कि वो झूठ है, जब तक सपने में होते तब तक तो नहीं, लेकिन जब सपने से जगते हैं तब आपको मालूम होता है कि यार वो झूठ था, सपना झूठ था। ऐसे ही जब आपके पास वो डिवाइन फ्रैगमेंट का सारा एक्सपीरियंस, सारा नॉलेज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, तब आपके लिए ऑलमोस्ट सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, तब आप ऑथेंटिकली ये मानते हो कि ये झूठ है, बिकॉज इससे भी ज़्यादा कोई सच में मैं जी रहा हूँ। कि ये फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ तक कि महाकाल, जहाँ पर सारी आपके सारे जन्मों के स्टोर हाउस हैं, माया क्रिएटिव प्रेशर की, फिजिकल वर्ल्ड का एक बहुत ही स्ट्रांग प्रेशर है हमारे माइंड के ऊपर। इनफैक्ट वो सिस्टम टू भी है। आप जब किसी की बात सुनते हो तो खट से दिमाग में इमोशंस का और थॉट्स का एक जाल बनता है, और वो जाल बनता है बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। हम जो देखते हैं वो लाइट, उसकी आवाज़ हमारे कान में जूम करके एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। ये एक तरह से प्रेशर है, माया क्रिएटिव प्रेशर, वो चीज़ें क्रिएट करती है, वही डिज़ायर्स क्रिएट करती है। तो एक डिसाइपल को जानना होगा कि ये ब्रह्मांड झूठ है और ये सब माया से क्रिएट की गई है। ये इसीलिए बेसब्र नहीं होना है। इस सूत्र का मतलब कितना ज़्यादा है, अगर हम लोग इसको स्टडी नहीं करते हैं ना, तो हम कोई और चीज़ कर रहे हैं, हम अपने आप को माया क्रिएटिव प्रेशर में और ज़्यादा डुबो रहे हैं। अगर आप नॉलेज नहीं लेते हैं तब तो आपका बेड़ा अब तो सत्यानाश ही होगा। नॉलेज लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स लाइक वेस्टिंग अ बिग, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। सो एवरी डे ट्राई टू, अब यू कैन डू मोर, यू कैन राइट मोर नोट्स, बनाइए अपना इन क्लासेस का, नहीं तो सब उड़ जाएगा। इल्यूमिनेशन इज ग्रेजुअल, इट इज़ डेवलप्ड स्टेज बाय स्टेज, प्लेन बाय प्लेन। ये आज का सूत्र, ठीक है? ओके दोस्तों, फिर कल और पढ़ते हैं।